ए जी, थारो दोस्त रमेश अपनी घराली से कितनो प्यार करे है, थे भी अइया कर सको के? मैं बोलो मेरी तो किस्मत ही खुल जावेगी, पर पूछ ले रमेश की घराली तैयार हो जावेगी। पति पत्नी के बीच होने वाली नोक झोंक या उनके बीच होने वाली मीठी तीखी तकरार, घर घर में होने वाली रोजमर्रा की खिटपिट को घर की दीवारों से बाहर निकाल हास्य के मंच तक पहुंचाया हास्य कवि पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा ने। अच्छा, इस मोबाइल का आविष्कार भी किसी महिला ने किया होगा, जब चाहे पति को ढूंढ ले, हमें कोई जरूरत ही नहीं थी। वो एक महिला ने पति को मोबाइल पर फोन किया, बोले कहाँ जा रहा है? बोले गाड़ी में जा रहा हूँ। पत्नी बोली हॉर्न बजा कर दिखा। अगला एक मिनट में पकड़ा गया। मैं तो उसी दिन से मुंह से पौं पौं की आवाज निकालना, जहां लुगाई का फोन आ जाए पौं पौं करने लग जाओ। क्या कुछ अपनी चार लाइनों में महिलाओं पर वो खूब कसीदे पढ़ते हैं, और अगर आपने उनकी रचनाओं पर जरा भी संदेह किया तो वो कहते हैं, फैक्ट तो है, इसमें कोई बात थोड़ी है। अब महाभारत का युद्ध हुआ, जितने मरे आदमी मरे हुआ द्रौपदी जी की वजह से। रामायण का देख लो, सीता जी की वजह से हुआ मरे आदमी। मुझे एक युद्ध बता दो जो आदमियों की वजह से हुआ और एक भी महिला लड़ने के लिए गई हो। पत्नी जी को अपनी कविताओं में इतनी तवज्जो देने की वजह भी सुन लीजिए। पत्नी पर तो मैं लिखता क्योंकि एक हास्य ऐसा है जो पत्नी पर किया जाए तो उसमें कोई बुरा नहीं मान सकता। घर वाले ही मानेगा ना, बाहर वाले तो कोई मानेगा नहीं। किसी और पर करोगे तो दूसरी धर्म पर करोगे, धर्म वाले मारने को तैयार हो जाएंगे। किसी जाति पर, किसी पेशे पर करोगे तो वो मारने को तैयार हो जाए। एक पत्नी है जिस पर कोई आपको खतरा नहीं है, वो इसलिए नहीं मारेगी आपको क्योंकि कमाई उसी के ऊपर खर्च हो रही है। शादी से पहले मैंने अपनी पत्नी को नहीं देखा था, उसके बाद जब देखा तो आंखें फटी की फटी रह गई। हर सवाल का जवाब वो इतने ही मजाकिया मूड में देते हैं। चार दशकों से ज्यादा के सफर में अपने ऊपर व्यंगों को सुनती आ रही मिसेज शर्मा का नजरिया भी जान लीजिए, क्योंकि आम दर्शक तो आज भी यही सोचता है कि शर्मा जी अपनी कविताओं में अपनी पत्नी से ही प्रभावित हैं। पत्नी के ऊपर लिखते हैं इसलिए कि जो भी वो मनोरंजन के लिए, लोगों को हंसाने के लिए बोलते हैं तो वो शब्द पत्नी तो सुन सकती है, बाकी और कोई नहीं सुन सकता। तो हिम्मत करके वो पत्नी के बारे में उठपटांग बोल देते हैं, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। शौहर बीवी के रिश्ते में मिठास भरने के अलावा एक और बात के लिए वो जाने जाते हैं। चार लाइन सुना देता हूँ। चार लाइन में इनकम टैक्स वालों की मेरे पास चिट्ठी आई। ई साल थे कवि सम्मेलन में जितनों भी कमायो, बैंको ब्योरो वे टैक्स मानने भिजवा दो। मैं जवाब लिखो, ई साल कवि सम्मेलन में 1000 जूता पड़ा है, एको कितनो परसेंट भिजवाऊं या बतला दो। उनकी चार लाइनों वाले अंदाज का राज पूछो तो वो कहते हैं, वजह ये कि जब इसी बात पर लोग हंस लेते हैं तो दूसरी बात कहने की जरूरत क्या है? और फिर जब एक चीज डेवलप हो जाएगी तो बिरला अपना नाम बदल कर टाटा थोड़ी कर लेगा। अपने इसी स्टाइल को वो आम लोगों की बोली कहते हैं, और यही जनता और उनके बीच का अटूट रिश्ता भी है। चार लाइना सुना रही हूं। जो भी भाषा लोगों को अपनी लगती है, हिंदी जो भाषा रही वो ड्राइंग रूम की भाषा रही, बेडरूम की नहीं रही। बेडरूम की भाषाएं तो हमारी ब्रिज रही, अवधी रही, राजस्थानी रही, बंगाली रही, मराठी रही, जो हमारी वो भाषा है। और हिंदी का इतिहास कोई ज़्यादा पुराना नहीं, लेकिन हमारी जो बोलियाँ रही इनका इतिहास तो हजारों साल पुराना है। बोलियों और भाषा का इतिहास उन्हें बखूबी याद है, पर ये याद नहीं कि किस मंच से पहली कविता
कौन सी कही थी? मैं एक ऐसा शख्स हूँ जिसे ये नहीं मालूम मैंने पहली रचना कब लिखी या पहली कविता कब लिखी। कविता तो आज भी नहीं लिखी। जब तुलसीदास जैसे महान कवि कहे मैंने कवि नहीं हूँ, तो हमारी क्या औकात है जो हम अपने आप को कह दें हम कवि। बस कुछ शब्दों को जोड़ा है, जिसने जनता को मुझसे जोड़ा वो कविता कहला गया। चार लाइनों वाले अंदाज से जुदा उनका एक और स्टाइल है, और वो है उनके चेहरे के हाव भाव। जब जनता उनकी चार लाइनों पर ठहाके मार के हंसती है, 45 लिया है मुझे दिल्ली छोड़कर गाजियाबाद में जा, तो वो जरा भी नहीं मुस्कुराते। उनका यही सिग्नेचर स्टाइल उनके प्रशंसकों का दिल जीत लेता है। नहीं, मुस्कुराने नहीं होने की एक ही वजह है उसकी, तो इकोनॉमिकल भी है। इकोनॉमिकल ये है कि एक बार हंस दिया था तो ऑर्गेनाइजर ने पैसे काट लिए कि हमने तो इसलिए बुलाया था कि आप बिल्कुल सीरियस रहोगे। दूसरे एक वजह यह भी है कि जब मैं पढ़ता हूँ तो ब्याह का दिन याद कर लेता हूँ, वैसे ही सीरियस रहता हूँ। तीसरी वजह यह है जो महत्वपूर्ण है कि हमें हर काम को सीरियसली करना चाहिए, चाहे वो हंसी का ही हो। हंसने हंसाने का सिलसिला काफी पुराना है। अब ऐसी शख्सियत को आप कैसे अपने लफ्जों में बयां करेंगे जिसे अपने 50 साल से बदस्तूर जारी कवि सम्मेलनों की कड़ियों को संग्रह करने का शौक भी ना हो, और तो और लिखने का भी शौक ना हो? नहीं, वो लिखते नहीं कविताएं, वो बस अपने आप ही सोचते रहते हैं, और जो भी सोचते हैं वो अपने अंदर अपने दिमाग में उसको फीड कर लेते हैं। वो आदत ही नहीं है कि वो बैठ करके लिखें। हाँ, पढ़ने का शौक है उनका, टीवी देखने का शौक है। घर में रहते हैं तो अपना टीवी चैनल अपना देखते रहते हैं। मेरे घर में सारे कागज छान मारोगे तो मेरी कविताओं का कोई संकलन नहीं मिलेगा आपको। जो याद रह गई, जो रह गई, जो भूल गया सो भूल गया। अब धीरे धीरे उसे कंपाइल करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा की पैदाइश है, पर उनकी बोली में हमेशा से मारवाणी छाप दिखाई देती है। एक रोज की बात बताऊं, सुबह उठता ही मेरी घराड़ी मेरे हाथ में लिफाफो थमायो, लिफाफा को पत्र पढ़ो तो माथो घूम गयो। ऊ मैं लिख्यो थो ए शनिवार ने डाकवा के खेमा में कवि सम्मेलन है, थाने हर हालत में आनो पड़ेगो। उनकी शुरुआती रचनाएं भी राजस्थानी में ही थी। मेरा गांव नांगड़ चौधरी है जो जिला महेंद्रगढ़ में है, वहाँ से राजस्थान का बॉर्डर जो कि कोटपुतली से लगता है वो 2 किलोमीटर की दूरी पर है। उसमें मारवाड़ी भी रही, हरियाणवी भी रही, सारा मिश्रण रहा उसमें। क्योंकि मैं विमलेश जी का, जो राजस्थानी के हास्यरस के बहुत बड़े कवि हैं, उनको सुनने का मुझे शौक था। वो जहाँ भी आते थे उन्हें सुनने जाता था, तो पहली कविता राजस्थानी में लिखी। छोटी उम्र में ही वो हरियाणा से देश की राजधानी दिल्ली आ बसे और श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की, फिर LLB भी की, आगे जाकर बिजनेस भी किया, लेकिन उनका मन हिंदी काव्य से नहीं हटा। अगर कोई डायबिटिक आदमी हो तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हलवाई की दुकान नहीं खोल सकता, बल्कि वो बेहतर ढंग से चलाएगा। पढ़ाई से और कविता का कोई मतलब नहीं। इस मुल्क में अनपढ़ लोगों ने कविताएं लिखी है, पढ़े लिखों ने उन पर PhD की है। अगर पढ़ाई का ही माना जाए तो जितने भी हिंदी में PhD हैं सारे कवि होने चाहिए, तो उसमें से 1% भी कवि नहीं है। क्योंकि कविता जो है इसका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। बच्चन जी अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, हिंदी की कविताएं लिखी। फिराक साहब बहुत बड़े शायर उर्दू के, वो अंग्रेजी पढ़ाते थे, उन्होंने हिंदी में कविताएं लिखी। अभी देश में उदय प्रताप सिंह जी हैं, देश के बहुत बड़े हिंदी के कवि हैं, वो अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं। तो पढ़ाई का उससे कोई लेना देना नहीं होता। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही उनकी कविताएं लोगों को पसंद आने लगी थी। धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि दूरदर्शन के हास्य कार्यक्रमों में उनकी झलक दिखने लगी। मैं घोड़ी वाड़ा के पास जाकर बोलो भाया, खुद के ब्याह के लिए घोड़ी दिलाओ, खुद के तो घोड़ी वाड़ो बोलो जी मेरी घोड़ी तो शादी शुदा है।
इतना ही नहीं, बड़े एंटरटेनमेंट चैनल्स के कार्यक्रमों में भी उन्हें बुलाया जाने लगा। ये हरियाणा के लोगों में ये सेंस ऑफ ह्यूमर पाया जाता है? अब बिल्कुल पाया जाता है। हमें अपने बेटे पर 100% कॉन्फिडेंस होता है, और किसी स्टेट में नहीं होता। आपको अपने बेटे पर 70 होगा, 80 होगा, हमें 100 होता है। इन सबके बाद रेडियो पर भी उनकी शोहरत चली, शर्मा जी से पूछो और हंसी के रंग शर्मा जी के संग जैसे प्रोग्राम्स खूब पॉपुलर हुए। रेड एफएम पर आया था शर्मा जी से पूछो, और अभी भी आ रहा है बिग एफएम पर, जो 20 शहरों में जा रहा है। हंसी के रंग सुरेंद्र शर्मा जी के संग रेडियो पर मुझे अच्छा लगता है, और वो स्पॉन्टेनियस आंसर थे। नमस्कार शर्मा जी, मैं दिलप्रीत बोल रहा हूँ चंडीगढ़ से। नमस्कार शर्मा जी, आपसे एक सवाल पूछना था। हाँ हाँ पूछिए। शर्मा जी, जिसके हाथ में फूल देकर आया था, उसी के हाथ का पत्थर मेरी तलाश में है। पत्थर तो होगा ही, हाथ में गोभी का फूल देकर आया होगा। टीवी और रेडियो के कई शोज किए, पर सबसे ज्यादा आनंद उन्हें लाइव ऑडियंस के साथ ही आता है। जो सामने की परंपरा है, वाचिक परंपरा है, ये टीवी के जरिए नष्ट हो जाएगी। आप जगजीत सिंह को सामने बैठकर जो सुख ले सकते हैं, टीवी पर नहीं आएगा। हरिप्रसाद चौरसिया जो बांसुरी बजाएगा तो 2.5 घंटे आप सर नहीं खुजा सकते। कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है उनका। ये मानना है कि एक ही चीज़ को आप बार बार टीवी पर देखोगे तो उसका जो फन है, जो उसकी क्रिएटिविटी है, वो ख़त्म हो जाती है। आप लाइव देखने का जो आपको एंजॉयमेंट है, वो आपको टीवी पे आपने एक बार देख लिया और आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते उस चीज़ को, उतना समझोगे नहीं, बिकॉज आपने बस एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसको यूज़ किया है। यू डोंट गो इन टू द डेप्थ दैट वे। हिंदी हास्य रस कवियों में उनका नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। एक कवि के तौर पर उन्होंने कई बार सम्मेलनों में बड़े बड़े कवियों के साथ कविताएं कही, और उदयपुर कहीं ना कहीं इसके नाम से भी जाना जाता है, तो मैं उस युवा छात्र को। विमलेश जी की कविताओं से प्रभावित भी हुए। आ सकते हैं इतने में करवा दो काम, जय रघुनंदन जय। पर शुरुआती दौर में वो काका हाथरसी की कविताओं को मंच पर सुनाते थे। सन 64 में जब श्री राम कॉलेज में पढ़ता था और कुछ मिमिक्री आइटम देता था मैं, या काका हाथरसी की कविताएं मैं सुना देता था, तो जनता से तब रूबरू हुआ। और उसमें एक साल के अंदर पूरी यूनिवर्सिटी में मैं जाना गया था, पहचाना गया था। उनके अन्य समकालीन कवियों के बारे में भी उनकी राय जान लीजिए। काका की शैली अलग थी, हुल्लड़ की अलग थी, सैल जी की अलग थी। व्यंग के क्षेत्र में माणिक वर्मा एक बहुत बड़ा, जो आज भी जीवित है हमारे बीच में, बहुत बड़े कवि हैं। विमलेश जी राजस्थानी में लिखते, और फिर बाकी कवि सुरेश उपाध्याय थे, भोंपू जी थे, और फिर बेडब बनारसी थे। मतलब एक लंबी एक कतार थी हास्यरस के कवियों की। वक्त बदला तो सुरेंद्र शर्मा जी की कविताओं ने भी अपना रूप बदला। जब आप हंसते तो ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, और मैं कहता हूं जब आप किसी को हंसाते हैं तो फिर ईश्वर आपके लिए प्रार्थना करता है। मैंने अपने बेटे से कह दिया था, देख तू 50% से ज़्यादा नंबर मत लाइए। 45% ले आया, 95% लिया था अमरीका भाग लेता, 45 ले आया मुझे दिल्ली छोड़कर गाजियाबाद नहीं जा सकता जिंदगी भर मेरे। मेरा सुख ये है कि मेरा बेटा 50,000 रुपया महीना कमा रहा है, लेकिन शाम का खाना मेरे साथ बैठ करके खा रहा है। पहले उनकी कविताएं मियां बीवी की तकरार तक ही सीमित थी, पर अब उनकी लेखनी गंभीर हो गई है। पहले मैं वो लिखता था जो लोग सुनना चाहते थे, अब मैं वो पढ़ता हूं जो लोगों को सुनना चाहिए।
एक मैच्योरिटी लेखन में निरंतर आपके आनी चाहिए। नदी ने आकरते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है तुझे पता है, कहाँ नदी और कहाँ कुआ। नदी ने आकरते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है तुझे पता है, कुआ हाथ जोड़कर बोला, बहन जी भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। फर्क इतना ही है कि तुम प्यासे के पास जाती हो और प्यासा मेरे पास आता है, तुम ऊपर से नीचे की ओर जाती हो इसलिए मीठे से खारी हो जाती हो, मैं नीचे से ऊपर की ओर आता हूँ इसलिए मीठा का मीठा ही रहता हूँ। पहले जब मैं छोटा था तब ज़्यादातर हास्य की रचनाएं करते थे, अभी सीरियस ज़्यादा कर रहे हैं आजकल, व्यंग और सीरियस नोट्स की कविताएं ज़्यादा अभी जो सुनने में आ रही हैं वो कर रहे हैं, लाइक कह सकते हैं सोसाइटी के लिए संदेश टाइप का अब दे रहे हैं, पहले ज़्यादातर वाइफ के ऊपर या हास्य की कविताएं करते थे। उन्हें साल 2013 में प्रेसिडेंशियल अवार्ड पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया, पर उनके घर पहुंचकर जब हमने उनके सम्मेलनों की वीडियो या फोटोग्राफ देखनी चाहिए तो उन्होंने बताया कि आज तक अपने पास उन्होंने कुछ भी संजो कर नहीं रखा, पर उनके घर पर अलग अलग अवार्ड्स की ये लंबी कतारें आपको जरूर दिख जाएंगी। मुझे पद्मश्री सन 2013 में मिला और प्रणब मुखर्जी साहब ने, राष्ट्रपति जी ने दिया, पर पद्मश्री ये सरकार का दिया हुआ है। मुझे पद्मश्री तब मिल गया था जब मैं आज से 30 साल पहले लाल किले से रिक्शे में खारी बावली गया और रिक्शे वाला मुझे पहचान गया, नहीं साहब आपसे पैसे नहीं लूँगा। तो मैंने कहा एक काम कर ले, यहाँ ठेले पर चाय वाला बना रहा, एक कप चाय तू पी ले, एक मैं पी लेता हूँ। मुझे पद्मश्री इस देश की जनता पिछले 45 साल से दे रही है। शर्मा जी को जो भी अवार्ड संस्थाओं से मिला या राष्ट्रपति जी से पद्मश्री का अवार्ड मिला, देखिए अवार्ड तो हर एक के भाग्य में नहीं होता है, उसके लिए कुछ तो किस्मत होती है, कुछ कर्म होता है, और शर्मा जी का कर्म ऐसा है कि वो समाज के साथ जुड़े हुए हैं, लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, परिवार के लिए बहुत अच्छा करते हैं, तो सबकी जो दुआ है, प्यार है, उसकी वजह से उनको जो सम्मान मिल रहा है, इससे बढ़कर और कोई खुशी की बात हो ही नहीं सकती है। उनकी 3 कविताएं भी प्रकाशित हो चुकी हैं जिनका शीर्षक काफी अजीबोगरीब है, पर इसके पीछे की सोच गजब की है। बुद्धिमानों की मूर्खताओं का मतलब है कि मूर्ख आदमी की मूर्खता सिर्फ उसी को नुकसान पहुंचाती है, बुद्धिमान आदमी की मूर्खता पूरी सोसाइटी को नुकसान पहुंचाती है। बड़े बड़ों के उत्पाद जो है, आज सारे के सारे बड़े बड़ों के उत्पाद ही चल रहे हैं मुल्क में, क्या विदेश में, अमेरिका कह रहा है विश्व शांति की अपील करता है। और मानसरोवर की कवि का मतलब ये है, मैंने माना कि ये पूरी धरती मानसरोवर है और इसमें हमें हंस की तरह विचरण करना था और हम सब कवे हो गए। हिंदी जगत के शीर्ष कवियों में सुरेंद्र शर्मा का नाम अदब से लिया जाता है, वो अपनी मातृभाषा का उतना ही सम्मान करते हैं जितना कि अपनी माँ का, हिंदी के लिए उनका प्यार दिख ही जाता है, हिंदी के गिरते स्तर को वो अलग चश्मे से देखते हैं। कविता का स्तर भी गिरा है और सबका गिरा है, उसकी वजह नहीं है, वजह ये कि व्यक्ति का स्तर गिरा है। व्यक्ति का स्तर ठीक हो जाएगा तो कविता का स्तर भी अच्छा होगा। हिंदी के स्तर पर उनकी राय खूब जचती है, आजकल टीवी पर आने वाले हिंदी कॉमेडी शोज भी उन्हें नहीं भाते। स्टैंड अप कॉमेडी और कवि सम्मेलनों के बीच फर्क पूछो तो जवाब बड़ा सटीक मिलता है। वो ऐसे ही है जैसे कि कैबरे डांसर और क्लासिकल डांसर में क्या फर्क है, पर हास और उपहास का अंतर आना चाहिए। हम आजकल उपहास ज्यादा करते हैं, किसी का मखौल उड़ाते हैं, उसको हास्य समझ लेते हैं। फिलहाल वो कई संस्थाओं के साथ जुड़े हैं, कवि सम्मेलनों के अलावा उनका मन सिर्फ समाज सेवा में रमता है। मैं 2 संस्थाओं से, मैं तो अभी पैटर्न हूँ, राजस्थान क्लब, राजस्थान रत्नाकर। राजस्थान क्लब में 5 साल मैं प्रधान भी रहा उसका, राजस्थान क्लब रत्नाकर में काफ़ी अरसे तक एग्जीक्यूटिव में रहा।
वो समय की कमी के कारण संत परमानंद हॉस्पिटल को ज्यादा समय नहीं दे पाते, इसलिए उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी के साथ जुड़े हैं। इस हॉस्पिटल की एक खासियत रही, आज से नहीं, इसकी स्थापना हुई थी सन 32 या 33 में रेवाड़ी में, और हमारे एक कैंप में महात्मा गांधी आए थे जो कि नागपुर में लगाया था वर्धा में, जिसको जमनालाल बजाज जी ने स्पॉन्सर किया। एक कैंप में पंडित जवाहरलाल नेहरू आए, एक कैंप में इंदिरा जी आई, दो कैंपों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए, पंडित मदन मोहन मालवीय आए, और आज के जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं सब हमारे यहाँ इस हॉस्पिटल में आ चुके। उनके परिवार में मिसेज शर्मा के अलावा दो बेटे, एक बेटी और माँ का साथ है। शर्मा जी की कविताओं की कड़ियों की तरह उनका परिवार भी एक दूसरे से जुड़ा दिखता है। As a father, he's a very good human being. हमेशा हमारी हेल्प करिए जब भी हमें जरूरत रही है, और एक अच्छे सपोर्टर, एक अच्छे टीचर की तरह लाइफ में काम आए हमारे। देखिए, हर एक जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत होता ही है, तो कविताएं उनकी ये प्रेरणा स्रोत है, और जिसमें जो प्रेरणा स्रोत बन जाए वही सबसे उत्तम होता है। तो किसी की प्रेरणा हमेशा हमेशा ही उत्तम होती है, भले ही वो कैसे भी हो। ऐसे घर में ऐसा रहता है कि घर में पिता मिलते हैं और बाहर कवि मिलते हैं। पहले ये होता था, हम लोग मसूरी जाया करते थे तो मॉल रोड पे निकलते थे, तो यूजली बाकी बच्चे अपना पेरेंट्स के साथ घूमते थे, पर हमें ऐसे ही घूमना पड़ता है क्योंकि फादर को लोग यूजली गैदर कर लेते थे और छोड़ते नहीं थे। तो ये शुरू से एक प्रैक्टिस रहती थी, हम लोग कहीं पर भी जाते थे तो एक ये चीज़ देखने को मिलती थी। देखिए, उनकी सफलता के लिए तो मैं बहुत खुश हूँ परिवार के साथ, बाकी अलग से मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि हम लोगों को इतना समय नहीं मिलता उनके साथ, और इस वजह से कहीं ना कहीं ये चीज़ हमें लगती है कि भाई ये हमारे साथ नहीं ठीक हो रहा है। जो समय हम लोग को घर में मिलना चाहिए उसके लिए शर्मा जी के पास समय कम होता है, इसलिए हमें मिल नहीं पाता, तो यहाँ हम खुश नहीं हैं। परिवार और संस्थान सभी जिम्मेदारियों को बखूबी संभाला, पर हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा इन 50 सालों की सफलता का श्रेय देते हैं उनकी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को। रामचंद्र जी हिरण मारने गए थे, बाद में कितने पापड़ बेले थे अगले दिन, और वो है जनता जनार्दन, जिनकी हंसी से शर्मा जी को खुशी मिलती है। चेहरे की हंसी छिपाए, मन में ढेर सारे विचारों की उठा पटक लिए, सुरेंद्र शर्मा की संजीदा रचनाओं की यात्रा अभी दूर तलक जाएगी। आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें, मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की, लहू था हिंदू का अल्लाह शर्मिंदा रहा, मरा मुसलमान तो राम कब जिंदा रहा, बिखरे बिखरे हैं सभी, आओ एक घर में रहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम।